दूसरे चरण में जिस तरीके का वोट पड़ा है वो उनके कार्यकर्ता सुन्न हो चुके हैं। और जब उन्नाव के लोग वोट डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का खाता यहां नहीं खुलेगा, शून्य हो जाएंगे। इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे आपने, बड़े बड़े नेता यहां पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा हो, उत्तर प्रदेश में सब आ गए हैं। और उनके अगर भाषण सुनोगे, अगर आकलन करोगे तो आप जानोगे कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो उनके बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये झूठ बोलने वाली पार्टी है कि नहीं है? आपको याद है कि किसान भाइयों के लिए वादा किया था कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं, और मैं तो कहता हूं सब किसान हैं या किसान के परिवार के नौजवान दिखाई दे रहे हैं, बताओ आप में से कितनों की आय दोगुनी हो गई है? किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बताओ। और अभी जब धान बिका होगा तो ना खरीद केंद्र बने, और किसी भी किसान का सरकारी केंद्र पर खरीद नहीं हुई। अगर किसी की खरीद हुई हो तो बताओ, धान में लूट हुई कि नहीं हुई? और जब आप लोग खाद लेने गए होंगे, पहले तो खाद मिली नहीं, और अगर मिल भी गई खाद तो घर में आकर के देखा होगा 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। डीएपी नहीं मिली, कीटनाशक दवाइयों से लेकर के हर चीज महंगी हो गई है। और ये डबल इंजन की सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने न केवल डबल भ्रष्टाचार किया है बल्कि डबल महंगाई भी कर दी है। बताओ महंगाई डबल हो गई कि नहीं हो गई? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते थे हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, और जब से ये सरकार में आए हैं आज गरीब अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा है, नौजवान अपनी मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, और पेट्रोल तो 100 के पार हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो बीजेपी जीत जाएगी तो 200 पार कर देगी। इसलिए सावधान रहिए इनसे, सावधान सावधान रहिए इनसे। जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कल आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना था कि नहीं सुन पाया? और जो सुन नहीं पाया वो सुनना मत। और जिन्होंने देखा होगा उनका चेहरा, हमारे पत्रकार साथियों ने तो देखा होगा उनका चेहरा, बताओ उनके चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और इधर जानवर घूम रहे हैं, तार लगाने पड़ रहे हैं, खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, फसल की रखवाली, रात भर जगना पड़ रहा है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर लोगों को टक्कर मार करके जान ले ले रहा है। बताओ सांड खुले घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सांड की टक्कर से अगर किसी की जान गई होगी तो उसे सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं
कि कानून व्यवस्था समाजवादियों की सरकार में नहीं अच्छी थी, उन्नाव से बेहतर कौन जानेगा। बताओ, उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कितना लड़ना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा। और याद कीजिए, अगर आत्मदाह करने नहीं जाती उसकी बहन तो शायद एफआईआर दर्ज नहीं होती। मुख्यमंत्री के आवास के आगे आत्मदाह करना पड़ा और सभी दल मिलकर के जब खड़े हो गए तब जाकर के एफआईआर हुई, तब जाकर के जेल भेजने का काम हुआ। अगर विपक्ष और समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी होती तो शायद उसके परिवार को न्याय नहीं मिल पाता। जब मैं आपके बीच में आया, अखबारों में पढ़ा है कि और घटना घट गई, सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर बेटियां और माताएं अगर कहीं हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। अगर हम आंकड़े निकालें देश के और इन आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा घटनाएं हमारी माताओं बहनों के साथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री आंकड़े नहीं देखते, हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, वो दूसरों को कुछ भी कह सकते हैं लेकिन जो व्यवस्था लागू है, बताओ कहीं भी माफिया क्रिकेट खेल रहे होंगे? इसी उत्तर प्रदेश में 25,000 इनामी खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है और उस जिले का पुलिस कप्तान उसके लिए पिच बना रहा है। ये हालत है, ये हालत है। और सवाल यहां नहीं है, वैसे तो हमने और आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 5,000 10,000 इनामी के घुटने पे गोली मार दी पुलिस ने, लेकिन देखिए आप बाबा जी की सरकार में 25,000 इनामी खुलेआम वोट मांग रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। कहीं देश में अगर कहीं पर आईपीएस फरार है तो वो उत्तर प्रदेश में आईपीएस फरार है, कहीं और फरार नहीं देखोगे आज उत्तर प्रदेश में फरार है। ये है कानून व्यवस्था। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो बलात्कार का जिन पे आरोप था उन्हें अपने कार्यालय में बैठा करके मिलते थे, बताओ मिलते थे कि नहीं मिलते थे? ये कानून व्यवस्था ठीक करेंगे? समाजवादियों ने 100 नंबर दी थी पुलिस को कि पुलिस समय पर पहुंच जाए, अगर कहीं घटना हो, कहीं झगड़ा हो जाए, खेत में कहीं पानी को लेकर के किसी बात को लेकर के अगर आपस में विवाद हो जाए तो गरीब के लिए व्यवस्था की थी कि वो फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। ये 100 नंबर समाजवादियों ने बनाया था, लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 को 112 किया है, हमारी पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। जब 100 नंबर था तो पुलिस अच्छी थी और जब से 112 हो गया पुलिस का पता नहीं पुलिस क्या करने लगी है। बताओ व्यवस्था खराब हुई है कि नहीं हुई है? ये जो गर्मी निकालने वाले हैं इन्हें हम कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस की नौकरी निकाल करके नौजवानों को उनको नौकरी देने का काम होगा, उनका भविष्य बनाने का काम करेंगे। और केवल यही नहीं, ये हमारे नौजवान न जाने कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सालों साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, बीएड वाले टीटी वाले कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो, इनकी किसी ने नहीं सुनी। हमने आपने अपना मुंह और नाक बंद कर लिया बीमारी से बचने के लिए, लेकिन सरकार को नौकरी ना देनी पड़े इसलिए आंख और कान बंद कर लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि बीएड टीटी वालों को उनको नौकरी और समाहित करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और यही नहीं, 69,000 के नौजवान तमाम हमारे आरक्षण को लेकर के लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, उनको भी उनकी भी मदद करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। हम नौजवानों को बताना चाहते हैं, सरकारी विभागों में 11 लाख नौकरियां खाली हैं, अभी तक सरकार ने नहीं भरी हैं।
11 लाख नौजवानों का भविष्य बन जाता। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर चीजें बदली हैं और चीजें बदलते हुए कारोबार करने का तरीका बदला है। समाजवादी सरकार थी तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो ट्रेनिंग कराती हैं आईटी के सेक्टर में, जो आज के समय पर जरूरत है, उसमें भी अगर हमें आईटी के क्षेत्र में, क्योंकि आज कारोबार कंप्यूटर से भी होने लगा है, मोबाइल से भी बहुत सारी जानकारी हासिल हो जाती है, कई शहरों में खाने से लेकर के और सामान मंगाने की भी व्यवस्था वहां से है, इसलिए आईटी सेक्टर में अपने नौजवानों को अच्छी पढ़ाई करा करके और 10वें के बाद भी अगर ट्रेनिंग करा करके 22 लाख नौजवानों को अच्छे रोजगार देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा, जिससे नौजवानों को रोजगार अच्छे मिल जाए। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री जी लखनऊ में बैठ करके लैपटॉप बांट रहे थे, उन्होंने टैबलेट बांटी और स्मार्टफोन भी बांट दिए। बताओ उन्नाव के नौजवानों, आपको कुछ मिला? सोचो क्यों नहीं मिला आपको? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। और अभी तक तो मैं सोच रहा था कि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, लेकिन अभी हमें जानकारी मिली है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। इसीलिए आपको नहीं दिया, लाखों बांट दिए लखनऊ में, किसी को मिला हो तो बताओ हमें। नहीं मिला किसी को, और ये लोग देंगे भी नहीं आपको। जो सांड नहीं पकड़ पा रहे वो लैपटॉप क्या देंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हर वर्ग के लोगों की मदद करने का काम करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया, उसके संविधान के तहत अगर हक और सम्मान देना पड़ेगा तो हक और सम्मान भी देंगे, और हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके उन्हें स्थान भी देंगे, और उन्हें सरकार बनेगी तो सम्मान भी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।